अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, बीआईटीवी में चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत देश में 10 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तकरीबन सारे ही बैंक फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा कई सारे ब्रोकिंग फर्म हैं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल वे में और एक हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। ऐसे में जब बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज दे रहे हैं तो कई बार एक ही कस्टमर को एक से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर अप्रोच करते हैं और एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है। तो क्या ऐसे माहौल को देखकर कभी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम एक कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं, हम एक कंपटीशन की दुनिया में रहकर बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। कई साल मैंने भी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम किया है। कुछ साल पहले की बात है जब मैं एक कस्टमर को करीबन 7-8 महीने से अप्रोच कर रहा था और उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की डिटेल मैंने ले रखी थी और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर मैं वर्किंग कर रहा था। मैं उसे एक इंश्योरेंस, उसकी नीड के हिसाब से उसे एक इंश्योरेंस सजेस्ट करना चाहता था जिसका प्रीमियम करीबन 80,000 रुपए साल का आ रहा था। 7-8 महीने के बाद मेरी एक मीटिंग उससे हुई जहां पर मैं उसके टेबल उसके सामने बैठा था और उस वक्त उसने एक पॉलिसी निकाल के मेरे सामने रखी। उसकी वो पॉलिसी को खोलकर जब मैंने देखा तो उसका प्रीमियम देखकर, उस पॉलिसी को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि उसका एनुअल प्रीमियम 10 लाख रुपए था। उस पॉलिसी को देखकर मैंने उससे पूछा, सर आपने ये पॉलिसी कब ली और किससे ली? तो उसने मुझे बताया कि मैंने कुछ दिन पहले हमारे बैंकर से ये पॉलिसी ली। मैंने उससे पूछा कि सर, जब मैं आपको आपकी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है तो आपने ये सर्विस किस कॉल से क्यों ली? तो उसने मुझे बताया, दरअसल हमारे जो बैंकर हैं वो हमें एक बड़ा लोन देने वाले हैं और उन्होंने हमारे साथ में ये कंपल्शन किया है कि अगर हम उनसे ये पॉलिसी लेते हैं तो ही वो हमें ये लोन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपटीशन के चलते मेरे हाथ से वो बिजनेस चला गया। आपने भी कई बार ऐसे कुछ कंपटीशन को फेस किया होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्या हम एक कंपटीशन के माहौल में जी रहे हैं, आर वी कंपीटिंग, आज चर्चा जरूरी है कि आज के एपिसोड में आर वी कंपीटिंग इस विषय पर, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ प्रोफेशनल्स हैं। कुछ प्रोफेशनल में हमारे साथ में जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें सबसे पहले मिस्टर सुब्रता साहा हैं जो कि कलकत्ता से फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और कलकत्ता में बहुत ही बड़े लेवल पे ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। हमारे साथ में मिस्टर नील कमल साहा हैं जो कि अगेन कलकत्ता से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं और बहुत ही फेमस हैं वो कलकत्ता में। हमारे साथ में मिस्टर देवाशीष बनर्जी हैं जो कि हावड़ा से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं और एक अच्छे लेवल पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को कर रहे हैं। बिहार से हमारे साथ में मिस्टर पंजाब सिंह हैं और बिहार में वो एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। और अगेन कलकत्ता से हमारे साथ में ऋषिका पोद्दार हैं जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी को काम करती हैं और बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। मैं आप सभी प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सुब्रता जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया कि 10 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, कई सारे बैंक्स हैं और कई सारी ब्रोकिंग फर्म हैं। तो ऐसे में जो कंपटीशन का माहौल बनता है, इस कंपटीशन के माहौल के चलते कई लोग जो है अपना मॉरल खो देते हैं, कई लोग तो ये बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो इस कंपटीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन के लिए। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी ये जो है, देखिए,
2000 में हम लोग का इंश्योरेंस सेक्टर ओपन हुआ था, उसकी पहले एक ही कंपनी था। 2000 का आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, उस टाइम में हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन था उसका कितना परसेंटेज इंश्योरेंस हुआ था और फाइनेंस की लेवल पे कितना हुआ था। और आज 20 बाद जब इंश्योरेंस सेक्टर ओपन हो गया तब आप देखिए हमारा इंडियन का इंश्योरेबल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का इंश्योरेंस हुआ है। आप देखिएगा उसमें बहुत सारी इट्स अ लॉन्ग गैप, ये बहुत इंक्रीज किया, क्योंकि आप कोई भी सामान इंश्योरेंस बोलिए, यू टेक एनी गुड्स विच इज सेलेबल विच इज प्रोटेक्टेबल विच इज एसेंशियल, कोई भी चीज आदमी का जो है आप देखिएगा उसमें अगर इंश्योरेंस इसमें कॉम्पिटिशन होगा तो कॉम्पिटिशन में क्या होगा, कॉम्पिटिशन मेक्स मार्केट वेरी हेल्दी। उसमें हमको एक नहीं 5 कंपनी हो, 15 कंपनी हो, 20 कंपनी हो, अभी जैसे इंश्योरेंस में 24 कंपनी है, तो 24 प्रोडक्ट्स हम कंपेयर कर सकते हैं, उससे हमारे लिए कौन सा ठीक होगा वो हम चूज कर सकते हैं। आगे हमारा देश में मोनोपोली था, एक ही कंपनी था, अभी देखिए इस हेल्दी कंडीशन में हमारा कंपनी में, मैं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, जो आप देखिए सक्सेसफुल एजेंट्स कितना हो गया, वो आगे से जब कंपटीशन नहीं था उस टाइम से बहुत ज्यादा बड़ा है, ज्यादा क्वालिफाई कर रहा, MDRT ज्यादा क्वालिफाई कर रहा, COT ज्यादा क्वालिफाई कर रहा, TOT ज्यादा क्वालिफाई। हमारा एक कंपनी जब था और 24 कंपनी में जब था, 24 कंपनी जो क्लाइंट का पास पीछे जा रहा है, ये अवेयरनेस जो क्रिएट हुआ है ये बहुत बेहतर है। कंपटीशन मेक्स मार्केट वेरी हेल्दी, मार्केट वेरी चूजेबल, ये नहीं जे नहीं होता। और आप जो बोले थे जे आपका लाइफ में एक बंदा का पीछा आप 8 महीने से घूम रहे थे, लेकिन यू लॉस दैट बिजनेस ऑफ 80,000 बिकॉज देयर वाज अ कंपल्शन, जो बैंक से उसको लोन मिलेगा वो 10 लाख का प्रीमियम दे दिया। ये नेगेटिव जो चीज है, आप 10 आदमी का पास जाओगे तो आपको 9 आदमी ना करेगा, 1 आदमी हाँ करेगा, तो वो जो 10 आदमी का जो प्रीमियम आपको आने वाला था, आप सोच लो एक आदमी जो प्रीमियम दिया वो 10 में डिवाइड कर दो, तो दैट मेक्स दैट विल बूस्ट योर मॉरल, दैट विल बूस्ट योर, यू विल नॉट गेट डिमोरलाइज। आप जैसे डिमोरलाइज हो गया, कोई एजेंट सब डिमोरलाइज जब रिजेक्शन होता है, जब आदमी को ये 10 में 1 मिलता है हम लोग बहुत खुश होता है, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं जो हमको एक सेल मिला है, लेकिन 9 नेगेटिव हुआ, हम मैदान छोड़ के नहीं गया, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नो 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 सुनते सुनते यस मिला है, क्योंकि हम लगा हुआ था। ये कंपटीशन के बाजार में 24 कंपनी में जितना भी है इट इज वेरी हेल्थी एंड इट इज वेरी मार्केट अपराइजिंग है, और फ्यूचर में ये कंपटीशन और ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन ये और हेल्दी होगा और इंश्योरेंस बिकेगा और हम लोग का फेवर में बहुत सारी कुछ आएगा। थैंक यू। तो सुब्रता जी, मैं एक बार आपके पास फिर से आऊंगा। नीलकमल जी, सुब्रता जी ने जो बताया, सुब्रता जी ने हमें बताया कि एक्चुअली सुब्रता जी ने इंश्योरेंस कंपनी के कॉम्पिटिशन की बात की, जबकि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर के कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था। क्या आप इस पर कुछ रखना चाहते हैं? सुब्रता जी ने जो बताया वो इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी के बीच के कंपटीशन की बात उन्होंने की। एक चीज तो ये बताई उन्होंने कि हमें जो है नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स करते रहना है, तो कहीं ना कहीं कोई हमें जो है कस्टमर हमारे को हाँ बोल ही देगा। लेकिन मैं अगेन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो कॉम्पिटिशन का माहौल है नो, जिसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स का मॉरल नीचे हो जाता है या वो डिप्रेशन में आ जाते हैं या बिजनेस छोड़ देते हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? रंजीत जी, अगर हमको परमिशन मिले मैं 1 मिनट और बोलूं। यस यस प्लीज प्लीज। आप जो बोला बहुत सही बोला, हम इंश्योरेंस के लिए बोला, लेकिन आप देखिए 20 पहले इंडिया का पॉपुलेशन कितना, इंश्योरेबल पॉपुलेशन कितना था, और 20 बाद कितना था, मेरा एजेंसी फोर्स कितना है,
टोटल इंडिया का स्ट्रेंथ का एजेंसी फोर्स 20 लाख है, 24 कंपनी का, ठीक है। तो हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, वर्ल्ड में यंगेस्ट पॉपुलेशन 72% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, दैट इज द बिगेस्ट एसेट, द बिगेस्ट कस्टमर बेस इज इन इंडिया। तो नंबर ऑफ एजेंट जितना भी हो, जितना भी कॉम्पिटिशन हो, हमको ग्राहक का कमी नहीं है। परफेक्ट। तो आप ये बोल रहे हैं कि भले ही एक कस्टमर हमारे हाथ से चला जाए तो हमें उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम नहीं, कस्टमर्स की कमी नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ कस्टमर अवेलेबल, इंडिया में तो सबसे ज्यादा कस्टमर्स अवेलेबल है। नीलकमल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैन यू हियर मी? आपको अब अनम्यूट करना होगा अपने आप को, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ। नीलकमल जी, जब कंपटीशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं या फिर हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में हमारा जो कंपटीटर है, यानी कि मान लीजिए हमारे जो कस्टमर है, उसको मैं भी अप्रोच कर रहा हूं और कोई और भी अप्रोच कर रहा है, एक ही आदमी को मेरे अलावा कोई और अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो जो अप्रोच कर रहा है उसका नॉलेज मेरे से ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, वो एक हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहा है, तो ऐसे में मेरी जो है कस्टमर, उसको अपना कस्टमर बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर डेफिनेटली उसके पास में चले जाएगा जिसके पास में उसको ज्यादा नॉलेज, ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा टेक्नोलॉजी दिखेगी। इस तरीके के कंपटीशन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि इसके वजह से मैं जो है इस बिजनेस को लूज कर देता हूँ, आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, यस, ये बहुत ही अच्छा, आप जो टॉपिक निकाला ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग जो काम करता है ना, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम लोगों के ऊपर क्लाइंट के टास्क, ठीक है ना। क्लाइंट हम लोगों को कितना टास्क करता है, ठीक है। देखिए, काम तो हम लोग जैसे 20 लाख के करीब कुछ हम लोगों को ऑल इंडिया में एडवाइजर है, लेकिन क्लाइंट हम लोगों को कुछ कुछ एजेंट के सामने, कुछ कुछ एडवाइजर के सामने ज्यादा काम होता है, कुछ कुछ एडवाइजर को कम होता है। ये डिफरेंस आता है सिर्फ नॉलेज के ऊपर नहीं आता है, ये भी आता है हम लोगों को क्लाइंट के साथ कितना रिलेशन होता है। क्लाइंट के साथ रिलेशन, हम लोगों जितना क्लाइंट के साथ क्लोज रिलेशन होता है, किसी किसी काम हम लोगों को आता है, हम लोग जो टेक्निकल जो देखिए, हम लोग क्लाइंट को उनका एचआरआर दिखाते हैं, ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता है, आपको इतना इंश्योरेंस चाहिए, इतना एसआईपी करना चाहिए, ऐसे ऐसे हम लोग इतना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हम लोग ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के छोड़ के भी हम लोग क्लाइंट के सामने एक जो आता है, चीज आता है, वो है टास्क। क्लाइंट हम लोगों को बहुत टास्क करता है, डिफरेंस होता है ये टास्क, सब एडवाइजर का सेम नहीं होता है, कुछ एडवाइजर का रिलेशन इतना अच्छा होता है तो रिलेशन से भी हम लोगों को काम आता है। और एक इम्पोर्टेंट जो चीज है आपने जो बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग जब ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो हम लोग किसी का ऐसे अननॉलेजेबल पर्सन को नहीं दे सकता है, क्योंकि जब हमारा घर का सपोज हम लोग जब घर बनाते हैं, हम लोग 2-3-4 ऐसे आर्किटेक्ट को देखता है, कौन आर्किटेक्ट का काम अच्छा है, कौन वो आर्किटेक्ट कितना कितना बढ़िया काम किया है, हम लोग वो देखता है। क्लाइंट हम लोगों को ये भी देखता है कि नीलकमल शाह के पास और ये सुब्रत शाह के पास इतना कलकत्ता का जो सबसे बड़ा बड़ा जो रिचेस्ट पर्सन है वो उनका एडवाइस लेता है, तो हम लोग नीलकमल शाह के साथ ही ये काम करेंगे, उनको एडवाइस हम लोग जो करेंगे वो हम लोग काम करेंगे और उनके एडवाइस हम लोग रिसीव करेंगे तो हमारा भविष्य में सही होगा। ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही काम नहीं चलता है, ये हम लोग को नॉलेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखिए हम लोग ये सुब्रत दादा भी अभी एमबीए कर लिया, हम भी एमबीए कर रहे इंश्योरेंस के ऊपर में, ये सब हम लोग ये अभी ये एडुकेशन भी हम लोग एडुकेशन आर गोपीनाथ सर से हम लोग अभी ट्रेनिंग लेता है, ऐसे हम लोग क्या करता है, हम लोग अभी हम लोग एडुकेशन भी बढ़ाता है, क्योंकि नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ हम लोगों को रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट का रिलेशन,
देखिए कंपटीशन तो हम लोगों के खुद के साथ ही कंपटीशन है, तो ये खूब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हम लोगों को। क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। कमल जी आपकी बात समझ में आ गई। देवाशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, जैसा कि नीलकमल जी ने बताया कि रिलेशनशिप में अगर हम रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे तो जो है नॉलेज और एक्सपीरियंस और जो है टेक्नोलॉजी है ये सारी चीजों को जो है रिलेशनशिप जो है वो पछाड़ सकती है। अब मान लीजिए अभी इन्हीं की पॉइंट को मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कि मैंने अपने आप को बहुत ट्रेन किया है, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैंने कई सारी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं एक अच्छी टेक्नोलॉजी बना के चल रहा हूँ, लेकिन जिस कस्टमर को मैं अप्रोच कर रहा हूँ और उसके सामने जो दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर है वो सारा का सारा बिजनेस लेके चले जाता है, ना ही उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, ना ही उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना ही वो ज्यादा नॉलेजेबल है, फिर भी वो बिजनेस लेके चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप की वजह से वो सारा बिजनेस लेके चला गया। तो ऐसे में इस तरह की कॉम्पिटिशन को हम कैसे फेस कर सकते हैं? यस, थैंक यू रंजीत जी। देखिए मेरा जो बात है, मैं देखता हूं कि एक्चुअली जो काम हम लोग कर रहे हैं हम लोग को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि एडजस्टमेंट बिटवीन वर्क एंड वर्कर, कौन टाइप का काम हम करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं कि एक आदमी के पास जाते हैं, हम लोग अपने लेवल से समझने चाहिए, हम लोग का सोचना चाहिए जे उसको लेवल क्या है। वो जो चला जाता है दूसरे जगह को, इसके लिए बहुत कारण है, उसमें से एक है जे हम लोग जो बात करते हैं उसको साथ, उसका लेवल नहीं होता है, उसका लेवल में नहीं आता है। क्योंकि एक आदमी का समझता है उसको 20 साल का बाद उसको चाहिए 5 करोड़ रुपया, लेकिन हम उसको दे देता है समझिए, हम उसको दे दिया है कैसा 50 लाख आएगा, तो उसको लेवल में उसको नहीं आता है, उसको जो लेवल में वो नहीं आता है उसको बात, तो इसीलिए वो छोड़ के चला जाता है। और दूसरा बात जो है, अभी पूरा विश्व में बहुत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आया है, हजारों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आया है। हम लोग जो है फाइनेंशियल एडवाइजर, हम लोग जो है पहले हम लोग को अच्छी तरफ से नॉलेज लेके हम लोग को समझना चाहिए जे हम काम क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। देखिए हम लोग जो इंश्योरेंस का जो काम कर रहा है, ये इंश्योरेंस एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 5-5 बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट तो इसको इंश्योरेंस भी है, दूसरा बेनिफिट इसको सेविंग्स भी हो जाता है, कंपलसरी सेविंग्स भी हो जाता है, तीसरा बेनिफिट है जो रिटर्न हम लोग को देता है वो टैक्स फ्री रिटर्न देता है, चौथा बेनिफिट है इसमें हम CIR ऐड कर सकते हैं, टर्म राइटर भी ऐड कर सकते हैं, और उसको साथ हम कोई भी चीज उसको साथ भी जोड़ सकता है, जैसे समझिए डिजेबिलिटी बेनिफिट है, एक्सटेंडेड परमानेंट डिजेबिलिटी बेनिफिट, ये भी हम जोड़ सकते हैं। तो एक आदमी को पास हम जब जाएंगे पहले हम लोग को समझना चाहिए जे उन चाहते क्या है, अगर उसको साथ हमारा ट्यूनिंग मिल जाएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको अगेन क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो सर्विस मैं, जो प्रोडक्ट्स मेरे पास में है, वही प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर के पास में है, लेकिन मेरे पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो प्रोडक्ट बेच के चला जाता है जो मैं बेचने वाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो है, रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि बिना रिलेशनशिप बढ़ाने में जितना जो करना है, जैसे हम लोग का हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब हम बाहर में जाते हैं तो कोई मंदिर में गया है तो हम क्या करता है, हम उस क्लाइंट को फोन लगाता है वहां से, सर जी आप बोलिए आपका गोत्र क्या है, मैं यह आया है पूजा देने के लिए, तो मैं आपका नाम से भी मैं पूजा लेके जाऊंगा। तो चीज बहुत छोटा है, लेकिन 50 रुपया 100 रुपया का मामला है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत बढ़ जाता है। तो ये भी छोटा छोटा चीज को हम ध्यान रखना चाहिए, और रिलेशनशिप बढ़ाने में हम लोग बहुत कम करते हैं, जैसे समझिए उसका बर्थडे गिफ्ट को विश करते हैं हम लोग, उसका लड़का का लड़की का जो भी है उसको भी बर्थडे को विश करना चाहिए, डेट ऑफ मैरिज को हम लोग को याद रहना चाहिए, ये सब करके हम लोग रिलेशनशिप बढ़ाते हैं। रिलेशनशिप जब बढ़ जाएगा तो क्या होता है, ट्यूनिंग जब मिल जाता है
तो पॉलिसी कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं वो बोलने से वो तुरंत मान जाता है, ये तो एक जरूरी बात है। थैंक यू। थैंक यू देवाशीष जी। पंजाब सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पंजाब सिंह जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। पंजाब जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेम सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप की बदौलत अगर मेरा कॉम्पिटिटर सारा बिजनेस लेके चले जाता है, उसके पास में मेरे जितना नॉलेज नहीं है, उसके पास में मेरे जितना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास में मेरे जितना मेरे जैसी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जस्ट रिलेशनशिप के चलते वो जो है वो कस्टमर का सारा बिजनेस लेके चला जाता है, ऐसे कंपटीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रंजीत जी, थैंक यू ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नील कमल, बिल्कुल सहमत हूं कि रिलेशनशिप इज द की टू सक्सेस, नो डाउट। लेकिन रिलेशनशिप किस चीज पे बेस करती है पहले तो ये देखना है ना। हमने जो रिलेशन डेवलप किए, कंपटीटर हमारा आकर के बिजनेस ले गया, रिलेशनशिप वाज ऑलर। लेकिन मेरा मानना है कि अगर रिलेशंस के साथ साथ अगर हमने नॉलेज एक्वायर किया है और अगर हम उसकी नीड बेस फाइंडिंग जाने हैं, वी नो द प्रोसेस हाउ टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ द पर्सन, तो क्या करें कि हम उसको नहीं समझ सकते जो वो समझा के चला। और रिलेशनशिप बेस करती है, इन माई ओपिनियन ऑफ द 40 इयर्स एक्सपीरियंस, बेस वो ट्रस्ट पे बेस करती है। और ट्रस्ट किस चीज पे बेचता है? ट्रस्ट बेस करता है हमारी ट्रू एडवाइस पे, और ट्रस्ट बेस करता है हमारी स्टिक पे, ट्रस्ट बेस करता है हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज पे, ट्रस्ट बेस करता है हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे। तो अगर जी हमारे अंदर ये क्वालिटीज है, अगर हमारे पास वो नॉलेज जो एक कंपटीटर के होता है, हमने सब्जेक्ट नॉलेज जिन कहते हैं, आई कैन आंसर एनी वन ऑफ द पर्सन, आई फाउंड द फाइंड द नीड ऑफ द पर्सन, आई कैन कन्विंस हिम एंड आई एम गिविंग हिम द ट्रुथ फिगर ऑफ माई इन्वेस्टमेंट सेक्टर, वट एवर इट, आई एम विनिंग द ट्रस्ट द पर्सन, एंड आफ्टर ऑल आई एम मेंटेनिंग द बेस्ट रिलेशनशिप विद द पर्सन। तो मेरा मानना है सेल में आपको यही इसी कंजन पर आप जाइएगा रंजीत जी, कि सिर्फ रिलेशनशिप से ही नहीं होगा, किसी बहला लेने से, अच्छे रिश्ते बना लेने से, अगर हम सर्विस पोस्ट सर्विस नहीं है, अगर हमारे पास नॉलेज की कमी, अगर हमने उसका ट्रुथ, अगर हमने ट्रस्ट नहीं जीता है, अगर हमने फैक्चुअल उसके पास फिगर नहीं रहे हैं, अगर हम राइटिंग में फिगर देते हैं, तो वो सिर्फ रिलेशन पे बिजनेस नहीं देगा, वो एक बार कर देगा, दो बार कर देगा, बट दैट विल नॉट बी द परमानेंट सॉल्यूशन। इफ आई वांट टू फेस द बिजनेस फ्रॉम ए पर्सन परमानेंटली, ही शुड बी ऑफ माइंड, डेफिनेटली आई कैन टेल यू रिलेशनशिप द मस्ट, बट ए पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ माई सब्जेक्ट, वी हैव टू विन द कन्विंस ऑफ द पर्सन, ही शुड नो वट एवर द पंजाब सिंह इज सेइंग, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, he is not misleading me, he will never give me the incorrect answer, he will never give me the wrong information. So that trust is heavier than my relationship, and if there is no trust, no relation can be built there. So first of all, a good financial advisor has to win the confidence and trust of the person. If I am winning the trust, I am having the knowledge, I am finding need of the person. देखिए, यहां हम जरूर कहेंगे कि आई मस्ट बी द ऑनेस्ट टू द पर्सन, आई डोंट फोकस योर सेल्फ। मैं सीधी सी बात हूं, इफ यू फोकस बेनिफिट ऑफ द कस्टमर, इफ यू कैन शो हिम, आप उसको दिखा सकते हैं कि व्हाट इज बेनिफिट, ये तुम्हारे हक में है, ये तुम्हारे लिए है, और अपने इंटरेस्ट को अगर हम सेटिस्फाइड कर देते हैं ऑनेस्टली, समटाइम्स इट इज बेटर दैट, सपोज दैट वो अपनी बेटी की शादी 2 साल में करेगा और वो कहता है कि आप जहां रखना है इस पैसे रख दो, सपोज दैट कि जहां आपको रख पैसे को रख दो, मैं आप पे छोड़ देता हूं, ये मेरा 50 रुपया, लेकिन हमको बेटी की शादी के पास चाहिए। तो अगर हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में 2 साल के बाद उसको पैसे देने का प्रोविजन नहीं है और उसने हम पे ट्रस्ट करके जहां रखना, लो मैंने पर्सनल इंटरेस्ट की उस पैसे को रख दिया और 2 साल बाद मिले गए तो उसको लॉस हुआ,
तो वो आपको हमेशा नहीं छोड़ देगा. इन दैट केस आई हैव टू फाइंड आउट दैट सेक्टर विल पे हिम द मनी एट द टाइम ऑफ द नीड. ऑनेस्टली आई हैव टू बी द ऑनेस्ट विद द नीड ऑफ पर्सन एंड इफ आई एम ऑनेस्ट टू द नीड ऑफ द पर्सन रिलेशन विल बी स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. आई चैलेंज नो अदर पर्सन कैन इंटरफेयर इन दिस सेक्टर इन माई फील्ड इन माई मार्केट. He has not the dare, he will not dare to enter because I have to win the trust, and winning the trust is, building the trust is very, very important in finance sector also. It is my view. I think so. आपकी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि relationship और trust ये दो अलग चीजें हैं. Yes. Relationship बनाने में हो सकता है कि मुझे कई साल लगे, लेकिन trust जो है वो अब मैं अपने knowledge और experience के through कम समय में भी बना सकता हूं. और मुझे जो है रिलेशनशिप को क्रॉस करना है तो ट्रस्ट क्रिएट करके मैं रिलेशनशिप को क्रॉस कर सकता हूं और वो कंपटीशन को मैं बीट कर सकता हूं. yes. ये मुझे आपकी बातों से समझ में आया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, एक चीज मैं हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि अगर अगर उनके मन में कोई प्रश्न है इस मुद्दे पर पूछने के लिए और वो हमारे किसी स्पीकर से पूछना चाहते हैं तो वो अभी के अभी लिख दे ताकि हम जो है नो आपके प्रश्नों में से कोई जो बढ़िया प्रश्न है उस प्रश्न को छाट लें. और आप किससे पूछना चाहते हैं वो भी आप जरा नीचे लिख दीजिएगा. तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट और हम जो है वो उसको नोट करके रखेंगे और बहुत ही जल्द वो हम क्वेश्चन हमारे स्पीकर से पूछेंगे. प्लीज यू कैन स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन. प्लीज सुब्रत जी, आपके पास में आना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा. आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए. आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में से आपने इतने साल जो काम किया है उसमें से कोई आपके साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहां पर आपने आपके सामने कंपटीशन का माहौल बना और उस कंपटीशन के चलते आपके हाथ से बिजनेस चला गया हो या सामने वाले के हाथ से बिजनेस चला गया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हम जब आपको पहले बोले थे जे अगर हम 10 आदमी के पास जाएं तो 9 आदमी ना कटते, कोई कंपटीशन में हम ना हो जाते, तो ये हर 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 एडवाइजर के पास ही ये मुद्दा है. ये नहीं कि एवरीबॉडी जो 100 आदमी को वेट किया और 100 आदमी, इट्स अ रेयर केस. हमने भी बहुत सारी इनिशियल स्टेजेस में जब ये रिलेशनशिप ट्रस्ट इट इज बिल्ट डे आफ्टर डे. द ब्रिक इट कम्स one after the other. It is not built in 1 second or 1 year or 1 month. It is the number of years you are in the field, then only you can build this trust and relationship. तो उसका बात क्या होता है, जब सोच लीजिए मेरा पास very lately एक client during lockdown, मेरा एक महीना में जब क्योंकि इसमें आदमी का पास अबंडेंट टाइम था, कोई आदमी से आप 5 मिनट जो बात करते हो 50 मिनट बात करते थे, तो एक महीना में मेरा व्हाट्सएप अप एंड डाउन और कंपैरिजन भेज रहे थे, वो 4-5 कंपनी से कंपैरिजन ले रहे थे डिफरेंट कंपनी से, लेकिन अल्टीमेटली आई वॉन द रेस बिकॉज उसमें क्या था, मैं जब कंपनी का काम करता हूं this has an advantage also. आपका जो personal image, personal trust, relationship का साथ भी आपका company का trust, आपका company का relationship भी add होता है and आपका company का goodwill भी add होता है. ये नहीं जे ना, और ये भी हुआ है जे जैसे आप बोले bank लेके गया है, वो मेरा भी हुआ है. आउट ऑफ ऑब्लिगेशन बैंक लोन देखा, मेरा साथ 3 महीना तक बहस किया, 3 महीना लिया, कंपैरिजन किया, लास्ट में आपको भी एक पॉलिसी दिखा के बोला जे आई एम वेरी सॉरी आई हैड टू टेक फ्रॉम द बैंक बिकॉज ऑफ दिस. रंजीत जी, तो ये एक्सपीरियंस जो है आपके साथ में भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के पास हुए होंगे. आशीष जी, आपके पास आना चाहता हूँ. आपके पास में कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी ऐसा कंपटीशन का आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
देखिए, मैं तो 20 साल से काम करता हूँ, कम से कम 12-13 हजार आदमी को पास किया है, तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत चला गया फिर भी बहुत आ गया है, और एक ही कारण है। देखिए, हर आदमी का, जैसा एक आदमी का मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और हर टाइम पॉलिसी मेरे पास ही करता है। तो एक दिन मेरे को फोन किया, बोला देख देवाशीष, ये जो मेरा दोस्त आया है ना, इसको 11 पॉलिसी हो गया है, और एक पॉलिसी मैं करूंगा तो इसको प्रमोशन मिलेगा, क्या करूं? कर दीजिए आप। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। और बैंक का जो प्रॉब्लम तो है ही, लोन देगा तो लोन में क्या होता है, जो अगर लोन सैंक्शन हो जाएगा तो बैंक लोग तो, बैंक तो बैठा है, वो लोग तो कॉरपोरेट एजेंसी लेके, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस का, कोई LIC का, सबका ही है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी होता ही है, हम लोग का साथ भी होता है। और क्या होता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है, वो सुब्रत दादा ने जो बात बोला है, देखिए हम लोग जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, उस कंपनी का जो एडवांटेज है, इसके वजह से बहुत पॉलिसी, बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट दूसरा कंपनी से भी हम लोग उठा लिया है। ये तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का समझाया, अच्छा तरफ से वो लोग समझा बुझा के रेडी करके गया है, मैंने भी जाके उसको बोला है, देखिए सब कुछ सेम है, लेकिन हमारा जो बेनिफिट है, कंपनी का जो बेनिफिट है, ये पहले देख लीजिए, कंपनी का जो गुडविल है ये पहले देख लीजिए, आपको भरोसा किसका ऊपर करना चाहिए, ऐसा बोल के भी आ गया है। तो ऐसा भी होता है, हर टाइम हम लोग का पास ही है, तो हर रोज का हम लोग का खेल है। तो हम लोग ये भी समझ के चलता है मार्केट में, जो 15-10 आदमी को पास जाएगा, 1-2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन सब नहीं होगा, 5-6 तो निकल ही जाएगा। तो ऐसा हमारा भी पास होता है, हर आदमी का भी पास होता है। थैंक यू रंजीत जी। परफेक्ट। तो अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन निकल के आ रहे हैं, जैसे सुब्रत जी और मेरा जो केस था कॉम्पिटिशन का, वो था कि कस्टमर को एक लालच थी, एक ग्रीड थी कि मुझे एक बड़ा लोन मिलने वाला है। देवाशीष जी के केस में जो है इमोशनली जो है वो कॉम्पिटिशन सामने आया। नीलकमल जी, आप कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? यस, मैंने ये सुन के, मेरे को कुछ दिन पहले ही मेरे एक बिग क्लाइंट है, वो कम से कम ईयरली मेरे को 1 करोड़ का करीब करीब कुछ प्रीमियम देता है, रिन्यूअल प्रीमियम देता है। तो वो मेरे को फोन किया कुछ दिन पहले, जो नीलकमल मेरे को एक पॉलिसी लेना है। तो हम बोला वेरी नाइस, मैं आ जाता हूँ। बोल रहे नहीं, तेरे से नहीं लेना है, मेरे किसी को ले, किसी के पास लेना है। हम लोग किसी से लेना है, किसके पास से लेना है? तो बोल रहा है मैं एक वो बिल्डर्स है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, उससे कम से कम 50-100 करोड़ का कुछ लोन चाहिए। वो एक बैंकर ने उनको बोला, मैंने आपको लोन रेडी कर दू, लेकिन आपको ये पॉलिसी लेना है, तो तू बोल मैं कौन सा पॉलिसी लेने से अच्छा होगा, तू मेरे को आइडिया दे दे, मैं उनको बोलूंगा ये पॉलिसी हमको देने के लिए। तो ऐसे हम लोगों के पास है। इसके बाद मैंने उनको डिजाइन कर दिया, ये पॉलिसी तुम ले सकते हो, इसके बाद वो पॉलिसी उससे लिया। ऐसे है हम लोगों को, सबके साथ ही ऐसी स्टोरी है। तो वो भी बड़ा पॉलिसी है, वो भी कम से कम 25-30 लाख का कुछ प्रीमियम था, वो मेरे को मेरे हाथ से चला गया। ये कब की बात है नीलकमल जी? लॉकडाउन के थोड़े पहले ही उनका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। वो प्रोजेक्ट का कम से कम 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, लोन रेडी करके देंगे वो बैंक वाला बोला, तो बैंक के पास चला गया वो पॉलिसी, मेरे से चला गया। तो इस तरह के कंपटीशन जो है हमारे सामने हमेशा आते रहेंगे। लेकिन देखिए रंजीत जी, रिलेशन इतना अच्छा, हम जो पंजाब सिंह जी बोला, रिलेशन हमसे इतना अच्छा है, और मेरे को इतना टास्क भी करते हैं, और हमारा जो नॉलेज है, पंजाब सिंह जी जो बोला ना, ये तीनों चीज ये हमारा साथ ये पॉलिसी में हुआ। वो मेरे से आइडिया लिया, मैं कौन सा पॉलिसी वो खरीदा उनसे, ये हमसे कंसल्ट करके उससे लिया पॉलिसी। इसका मतलब वो जो क्लाइंट है ना, वो हम लोगों के ऊपर मेरा हमारा रिलेशनशिप, हमारा नॉलेज और हमारा टास्क, ये तीनों के बेसिस ऊपर वो दूसरे कंपनी से पॉलिसी लिया। लेकिन
आइडिया हम लोगों से लिया। परफेक्ट। एक क्वेश्चन पंजाब जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, ये जान आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है कि कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसा माहौल बने कि हमको कभी कंपटीशन को फेस करना ही ना पड़े, कुछ आइडिया दे सकते हो इसके ऊपर, कुछ बोल सकते हो इसके ऊपर? सर जी मैं एक बात कहूँ आपको, और ये 100% ट्रूथ, यू टू बिलीव मी, हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, मैं भगवान को साक्षी रखे कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दू, क्योंकि मैंने जो तीन चीज बताया, वेरी मच ऑब्लाइज टू नील कमल, वेरी मच ऑब्लाइज टू हिम, जिसने तीनों चीज को एक्ट किया कि हमारा नॉलेज, हमारा ट्रस्ट और हमारा रिलेशन, अगर तीनों किसी के साथ स्ट्रॉन्ग है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन। समटाइम्स मे बी कि अगर नील कमल ने बताया कि उसने हम कॉल करके दूसरी जगह पॉलिसी लिया, दिस इज द ट्रस्ट ऑफ नील कमल दैट इज किंग हिम, जस्ट टू माइंड वेल। और दूसरी बात मैं बता दूं सर, जो हमारे नेचर में है, हमारे पास बड़ी मार्केट नहीं है कि मैं 100 करोड़ और 50 करोड़ बात करता हूँ। वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, मैं छोटी जगह पे हूँ और मिडिल क्लास लोगों के बीच में बिजनेस करता हूँ। हमारा वॉल्यूम होता है 600-700 पॉलिसी होती है एवरी ईयर, 600-700 पॉलिसी होती है, 5 करोड़ प्रीमियम भी होता है, लेकिन बीच के लोगों के बीच में काम करता हूँ, मेरे बड़े बड़े प्रीमियम नहीं आते। लेकिन मैं एक चीज बोलूं रंजीत जी, ये मेरा नेचर कि मैंने कभी लकीर मिटाने की कोशिश नहीं की, मैंने लकीर के बगल में बड़ी लकीर डालने की कोशिश की। आई नेवर बिलीव मैं किसी की बुराई करके उसको पकड़ता हूं, कभी नहीं, नेवर इन माय करियर। मैं भगवान साक्षी रख के कह सकता हूं कि अगर मैं कहीं जाता और अगर कोई कहता है किसी एजेंट के बारे में, मैं उसको नहीं जानता हूं, हु इज द पर्सन, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा आदमी, वो हमें दिखाया है कि उसने हमको ये पॉलिसी पहले से बेचा है, मैं कह बेस्ट पॉलिसी आपको बेचा है। क्योंकि एक चीज है, बुराई वही करेगा जो बुरा है, ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोफेशन में कंपटीशन आ सकते हैं, 100 times आ सकते हैं, रोज के केसेस मिल सकते हैं, हमारे हाथ से बिजनेस कर सकता है, जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने नेचर को, हमारे बिहेवियर चेंज नहीं करना। ईमानदारी जीती, ऑनेस्टी जीतेगी, इले जीतेंगे, ट्रस्ट जीतेगा, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अगर परमानेंट ने जो क्वेश्चन बना कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस में हूं उसमें हमको कंपटीशन ना मिले, रंजीत जी कंपटीशन मिलेंगे, लेकिन अगर मैं अभी 14,000 पॉलिसी सर्विसिंग दे रहा हूं, 2-4 एक्सेप्शन कहीं भी होते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शन को भी जीतने की कोशिश करनी, उसको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी, और किसी की बुराई करके किसी अपने साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हर इंटेलिजेंट आदमी यह जानता है कि अच्छा आदमी कभी बुराई नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट दुनिया इंटेलिजेंट है, इसलिए हमारे प्रोफेशन में कंपटीशन बहुत है। 12 लाख एजेंट अगर आप कर रहे हो प्रोफेशनल, 10 लाख से ज्यादा, मैं कहूं 12 लाख हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 26 कंपनियां भी काम करती हैं सिर्फ इंश्योरेंस के सेक्टर में, बैंक को छोड़ दीजिए। तो हमारा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ होता है, हमारा कंपटीशन दूसरी कंपनियों के साथ भी होता है, हमारे राइवल वो भी हैं, हमारा राइवल विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप ख्याल रखिए, कंपटीशन हमें मार्केट से है, कंपटीशन दूसरी कंपनियों से, कंपटीशन दूसरे सेक्टर है, क्योंकि आदमी के पास जो पैसे रखने की जगह है, ही वांट्स दैट माई मनी शुड गेट द हाईएस्ट वैल्यू, माई मनी शुड बी द सिक्योर्ड, इन दैट केस उसको दो चीज अच्छी लगती है, एक तो ब्रांड ऑफ द कंपनी, रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी, और सेकंड reliability of the person which I am going to attach myself, whether he is competent to help me in case of need, that is more important, ki whether the person to whom I am going to be attached, whether he will help me at the time of crisis,
Can you give me the right information? There is giving me the right information. Again, I will tell you about that. You will have to win the person. And winning the person is an art. Winning the heart is an art. And good professional, a professional, a beautiful professional has to win the heart of the people by his honesty, winning the trust, acquiring the knowledge. Again, I am telling you. And if the person is having all the three, four factors, all the three, four factors, तो आपने जो सवाल किया ना कि मैं क्या कुछ ऐसा करूं कि हमें कंपटीशन ही नहीं मिले, तो रंजीत जी वही उसका है कि आपको अगर कोई दूसरा आदमी जाना, रंजीत जी एक बात आपको बताऊं, ईमानदारी की बात, हमारे कमर हमको कहते हैं कि अगर मेरे पास एजेंट आता है, मैं ईश्वर को अच्छी रख के करा हूं कि हमें लोग फीडबैक देते हैं कि हमारे पास अगर कोई आता है, कोई पॉलिसियां आता है, कुछ कहता है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि मैं तो पंजाब सिंह से जुड़ा हुआ हूं, तो उसकी आंखें झुक जाती हैं और वो यही कहता है कि सर तो आप एक अच्छे आदमी से जुड़े हो। तो रंजीत जी, जिस दिन आपके सेम मार्केट का राइवल एजेंट, राइवल फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका राइवल अगर आपकी तारीफ करने लगे, आपके बारे में जानने के बाद कि ये यहाँ अटैच है, वो वहां से मुंह मोड़ के हट, तो रंजीत जी दैट इज एक्चुअल विनिंग ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड यू हैव टू प्रूव दिस। ग्रेट पंजाब जी, कोई बात नहीं है। ग्रेट ग्रेट पंजाब जी, मुझे एक्चुअली मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो मैं ये समझ सकता हूँ अगर नॉलेज, ट्रस्ट और रिलेशनशिप, ये तीन चीजों को मैं जो है क्लाइंट के साथ में बना सकता हूँ, नॉलेज अपना क्रिएट कर सकता हूँ, उससे ट्रस्ट बना सकता हूँ, उससे एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता हूँ, तो मैं कंपटीशन को बीट कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया पंजाब जी आपने। रंजीत जी एक और सुनिए। हाँ जी रंजीत जी, आई हैव टू विन द हार्ट ऑफ माय फेलो, करेक्ट, इन मार्केट आई हैव टू बिल्ड माय सच अ पीपल इमेज दैट माय राइवल शुड प्रेज मी। परफेक्ट। If you find that there should be no competition for you, if you find that there should be no competition for you in the market, then definitely you will have to win the heart of the rival opponent. Us market ka jo opponent hai na, wo jab aap tarif karega na Ranjit ji, to fir aapke market se competition khatam honge. Bahut badhiya, bahut badhiya. Aise competition nahi khatam honge, aise nahi khatam honge. उसके को भी जीना है और दिल को जो जीतने रंजीरी दूसरे प्रोफेशनल की भी तारीफ करनी पड़ती है, दूसरे प्रोफेशनल की प्रशंसा करनी पड़ती है, उसको भी ऑनेस्ट बताना है, उसकी बुराई नहीं करनी पड़ती, उसकी निंदा नहीं करनी पड़ती, उसकी कमी नहीं दिखानी पड़ती। रंजीत जी लकीर मीठा छोड़िए और लकीर के बगल में बड़ी लकीर को ले जाए। बहुत अच्छा अपने आप कंपटीशन कर जाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ऋषिका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। क्या कोई हमारे सामने ऐसा प्रश्न है YouTube में, हमें कोई प्रश्न आया है, कोई क्वेश्चन आया हमारे सामने जो हम हमारे स्पीकर्स के सामने रख सकते हैं? सर एक क्वेश्चन मेरे को बहुत समझ में आया, वो राहुल शाह जी ने पूछा है। ओके तो वो पूछ रहे हैं कि इवन इफ वी हैव गुड रिलेशन देन ऑल्सो देयर इज डिबेट प्रॉब्लम। तो ये डिबेट से देखिए कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता है, एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है, तो इस पे अगर डिस्कस होगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे पूछना चाहते हैं वो इसके जवाब? वो बोले कि रंजीत जी किसी से भी यूनानिमसली पूछ सकते हैं। ओके सो आप सभी ने ऋषिका जी आपका कैमरा जो है वर्टिकल रखी है, आप सीधी नजर नहीं आ रहे, कीप योर कैमरा वर्टिकल। ओके अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चन सुना कि रिबेट के चलते भी लोग अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, अब ये इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, ये सिंपल जैसे कि बैंक ने काम किया, फाइनेंशियल एडवाइजर के हाथ में एक पावर है रिबेट देने का, और वो रिबेट के चलते हमारे हाथ से बिजनेस चला जाता है। नीलकमल जी आप बोलना चाहेंगे इस पे कुछ? देखिए रिबेट का ये प्रॉब्लम हम लोगों को बिजनेस में आता है, लेकिन रिलेशनशिप हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इतना होता है, मेरे से आज तक मेरे किसी क्लाइंट ये रिबेट के लिए बात नहीं किया। रिबेट के बात होता है तब होता है जब क्लाइंट के साथ सिर्फ बिजनेस के बात ही होता है। देखिए क्लाइंट हम लोग, हमारा जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट का लड़की का शादी का कोई प्रोग्राम होगा तो मेरे से डिस्कस करता है,
इसके बाद लड़का का शादी का कोई प्रोग्राम होगा तो मेरे से डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों को इतना क्लोज रिलेशन है, इधर कोई हमारा कोई क्लाइंट हमको कोई पूछता ही नहीं कितना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो करता हूँ ना रंजीत जी, आपके केस में आई अंडरस्टैंड, लेकिन जिसके केस में जिसके सामने ये प्रॉब्लम आया है उसके बारे में आपको चीज का रंजीत जी, मैं जो क्लाइंट के करता हूँ ना, मैं जो एवरी ईयर मेरे कम से कम 2-3 मैं वर्ल्ड टूर करता हूँ, मेरे क्लाइंट के लिए इतना गिफ्ट मैं खुद ही लेके आता हूँ, तो क्लाइंट लोग मेरे को ऐसे बोलता ही नहीं है। सुब्रता जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे, इसका कुछ सवाल? मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। इनिशियल स्टेज ऑफ माई एजेंसी, वेरी इनिशियल 1 or 2-3 ईयर्स के अंदर ये घटना घटी थी, जो मैंने स्कूल का दोस्त एक रेफरेंस लेके उसको मामा जी के पास लेके गए थे, तो एक पॉलिसी उठा था, तब उतना मैच्योर्ड हम नहीं थे, इमैच्योर्ड थे, तो बिजनेस हंग्री थे हम, क्योंकि हमको रेफरेंस चाहिए था, रेफरेंस मिल नहीं रहा था। तो जब फर्स्ट मीटिंग होके निकल आए हम, तो मेरा दोस्त मेरा साथ था, तो मेरा दोस्त बोला जो तुम जब पॉलिसी बॉन्ड और ये देने होगा तब तुम इसका रिबेट लिफाफे में बंद करके दे दे। तो मेरे दोस्त को सुना, तो जो दोस्त को सुना जब बॉन्ड देने गया, तो उस टाइम वो उसका मकान बन रहा था, जो दोस्त का मामा जी का, वो कुछ वो वर्कर लोग के साथ बिजी था, तो हम बॉन्ड और ये लिफाफा एक साथ देके फाइल में देके आ गया, वो अलमारी में घुसा दिया, देखा नहीं। तो 3 महीना बाद मेरा कोई काम निकला, मैं गए थे, तो हम देख रहे हम बैठा है, उनका वाइफ अलमारी खोला और वो पैकेट जो था ना लिफाफा, वो ले आके दे के मेरा हाथ में बोला, मेरा मामा मेरा जो भगने है वो वैसे हो सकता है, लेकिन मेरा दिन अभी तक वैसे नहीं आया, जे मेरा जो एजेंट का मेरा अब एजेंट बोलो ना मेरा अपना भगना बोलो, क्योंकि तुम मेरा दोस्त का दोस्त हो, तो ये लिफाफा पूरा पहले हाथ पे लो, ये टाइम अभी तक मेरा नहीं आया जे तुम्हारा इनकम से हमको खाने होगा। वो हमको लिफाफा वापस दिया, और अभी भी लास्ट 34 इयर्स इतना बॉन्डेज है, उसका अपना भगने से हमको परिचय देता है, ये मेरा अपना ये है भगने, इतना रेफरल इतना कुछ दिया है। देखिए रिबेट का तो बात है, बट वी हैव टू टैकल इट डिफरेंट। जैसे नीलकमल बोला, हम लोग जैसे यूएस जाते इधर जाते 4-5 वर्ल्ड टूर में जाते, छोटा छोटा टोकन लेके आते, जब हम जाके दे आते इतना खुश हो जाता है क्लाइंट, कि अगर वो उसका इच्छा भी हो पूछने का वो पूछेगा नहीं रिबेट का, उल्टा एक क्लाइंट को रेफर दे देगा। ये ट्रस्ट रिलेशनशिप एंड ब्रांड वैल्यू ये किधर आपको लेके जाता है, रिबेट उस टाइम डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन होता है इनिशियल में रिबेट का होता है कुछ होता है, बट उसमें क्या होता है जब बातों में जब फर्दर प्रोग्रेस करते सेल की तरफ क्लोज की तरफ वो आस्ते आस्ते डाइल्यूट हो ही जाते। परफेक्ट परफेक्ट। यस पंजाब जी, आप काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद बोलना रहा हूँ। यस यस बोलिए। क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, जो मैं 3-9 से काम कर रहा हूँ। मैंने किताबें ली है, I've written a lot about that. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दू, हाँ जी एक घटना सुनाऊ। हाँ जी हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है? यस 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 आ रही है आपकी आवाज। एक घटना सुनाऊ? हाँ जी। मैं एक सुनसी घटना सुनाऊ, रिबेट जवाब मिल जाएगा। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए। मैंने घर में बीट किया, समझे? रिबेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले इतने ऑनेस्ट हैं, ये भगाने कौन? मैं आपको एक ऑन आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख रहा हूँ।
क्यों नहीं है, मैंने प्रॉब्लम आई है लेकिन मैं कैसे टैकल करता हूं। मैंने एक जगह बिजनेस किया, समझा सर? ओके। तो उसने हमें कहा कि आप मैं कितनी रेट दे, तो मैं उसे पूछा व्हाट इज रेट, ये क्या होता है? तो उसने कहा कि एजेंट अपनी किशन से पैसे देते हैं। आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही आ रही। तो मैंने कहा पैसे, मैंने कहा कि अब कमीशन कैसे देते? बोला हाँ। तो मैंने कहा कि एक बार देते हैं या बार बार हैं? तो उसने कहा कि एक बार देते हैं, पहली बार। अच्छा। तो मैंने कहा कमीशन तो बार मिलती है, आप जब भी टेम जमा करोगे तो उनको कमीशन मिलेगी, तो आपको एक बार क्यों देते हैं? तो कहता है कि तो मैंने कहा जब लेना बार बार लो। हमसे कहा कि आप बार बार देंगे? हमने कहा हाँ बार देंगे। कहता है तब तो बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा ठीक है, आपको बार बार लेनी है, हाँ आप कर दो पॉलिसी। मैंने कहा तो एक ही शय, अगर बार बार लेनी तो पहली बार नहीं देंगे। ऐसा मतलब? हमने कहा पहली बार नहीं देंगे, उसके बाद हर बार के बार बार देंगे। तो कैलकुलेटर के जोड़ने लगा कि 20 साल की पॉलिसी में नई साल में कितना मिल जाएगा, कैसे होगा, बड़ा हुआ। कहता ठीक है आप कर दो, हम पहली नहीं लेंगे। मैंने विदाउट रिबेट काम किया, अच्छा बिजनेस था, अच्छी पॉलिसी थी। जब मैं उसके पेपर लेके गया, रसीद पहुंचाने गया, तो मैंने करीब 2000 रुपए गिफ्ट लिया रंजीत जी से, 2000 रुपए का गिफ्ट लेके उसके घर गया और कुछ फ्रूट्स ले गया, सब मिला के मेरा खर्चा 2000 रुपए। तो हमको उसकी वाइफ कहती है कि भाई साहब यहां लेके आ गए, क्यों तकलीफ की? हमने कहा जी ये बार बार का पहली बार है, बार बार का पहली बार है, तो कसम समझे नहीं। हमने कहा बाद में समझे। कुछ दिनों बाद उसके बच्चे का बर्थडे था, मैंने फिर 1500 रुपए खर्च किए और 1500 रुपए खर्च करके फिर लेके गया। तो साहब कहती है कि भाई साहब अब जब आते हैं तो कुछ लेके आते हैं, खर्च करके आते हैं, फिर आ गया है। तो कहा बहन जी ये बार बार का दूसरी बार है। कहते अभी तो पॉलिसी हुए 2 महीने हुए, ये 2 महीने में आप 2 बार आ गए, अगला प्रीमियम तो 1 साल के बाद होता, आप तो 2 महीने में बार आ गए। मैंने कहा बहन जी ये बार बार का सिला है। उस लेडी ने रंजीत जी By hard time to you, God knows, उसने उस दिन अपने की पॉलिसी दे दी और एक अच्छी पॉलिसी थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी थी। जब चेक की पॉलिसी दे दी तो उस बाद जब मैं गया तो फिर मैं कुछ लेके गया, तो लेडी हंसते हुए कहती है कि भाई साहब ये पहला का बार बार है, दूसरे वाले का बार बार है। मैंने कहा बहन जी ये हर बार का बार बार है, ये सारी जिंदगी का बार बार है, इसको पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। तब उसने अपने हस्बैंड से कहा आपने देखा पंजाब सिंह को? देखा पंजाब सिंह को, एक बार देके मुंह बना लेता, और पंजाब साहब तो जब आते हैं घर कुछ ना कुछ लेके चले आते हैं। रंजीत जी मैं बार बार देने में विश्वास करता हूं लेकिन रिबेट देने में विश्वास नहीं करता हूं। और जिसको बार देने की आदत लग जाती है ना, इस रिबेट की ब्रिज से रिबेट है। पंजाब जी आपकी ये स्ट्रेटेजी भी बहुत काम की है। देवाशीष जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके पास में इस प्रश्न का कोई उत्तर है? हमारे पास में हेलो, देखिए हेलो, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आपको, यू हैव टू समराइज इट 2 मिनट। देखिए मैं जो मानता हूँ, जो हम लोग जो देखता है ना, जो शॉपिंग मॉल में बार्गेनिंग नहीं चलता है लेकिन फुटपाथ में खरीदने जाएगा तो बार्गेनिंग चलता है। तो अगर कोई एडवाइजर लोग उसका दुकान को अच्छी तरह से सजाए लेगा, उसको शॉपिंग मॉल का तरफ उसको नॉलेज, उसका क्वालिटी, उसका जो ऑफिस है ये सब बना लेगा, उसका जो तरीका है वो सब सही तरफ से बना लेगा, तो बार्गेनिंग नहीं करेगा कस्टमर। कस्टमर बार्गेनिंग वही करता है जिसको पास नॉलेज कम है, जिसको पास ज्ञान कम है, जिसको पास वेबसाइट वगैरह ये सोशल मीडिया का उसका लेन देन कम है, कुछ नहीं है, देखता है एक तो फोन लेके चलाया तो उसको 1 लाख रुपया प्रीमियम देगा, 35,000 लेने का उसको भी कोई हक नहीं है। जे तुम्हारा ऐसे कोई काम नहीं किया जे 2 मिनट में तुम 35,000 कमा लेगा,
तो इसके लिए भी थोड़ा कुछ करना पड़ता है। तो सब खुद को अगर अच्छी दुकानदार बन जाएगा ना तो उसे रिबेट का बात नहीं आता है। थैंक यू रंजीत, बहुत बढ़िया देवाशीष, वेरी गुड आंसर। सर इसमें एक छोटी बात, रंजीत वन मिनट, एक छोटी सी बात जो इन्होंने ही ना, yes, मैं उसको कहता हूँ मेक योर सेल्फ आटा। ओके, मेक योर सेल्फ आटा, देन यू सी व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आटा। ताकि पहली क्वालिटी है उसका ब्रांड, बाटा की दूसरी क्वालिटी है शोरूम। बाटा फुटपाथ पे नहीं बेचता, शोरूम। एक प्रोफेशनल को सब पहले अपना ऑफिस बनाना चाहिए। बाटा की तीसरी क्वालिटी है टेक्नोलॉजी। एक अच्छे प्रोड्यूसर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बाटा की चौथी क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विसेज। इफ देयर इज एनी कंप्लेंट बाटा रिसीव्स। एक अच्छे सेल्समैन की वो होती है। तो जब अपने हम बाटा बना लेंगे ना, लाइक बाटा, अपना मेरा ऑफिस, पर्सनल टेक्नोलॉजी, नॉलेज, गुड एडवाइस, आफ्टर सेल सर्विसिंग, ए नंबर ऑफ स्टाफ, डेलीगेटिंग शॉप, देन आई थिंक वी कैन कम ओवर इट। वेरी नाइस, आई थिंक हमारे हमारे राहुल शाह जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर जो है वो काफी हद तक निकल के आता है। तो अब मैं आना चाहूंगा ऋषिका पोद्दार जी आपके पास में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नीलकमल साहा, सुब्रता साहा और देवाशीष जी और पंजाब सिंह ने जो बातें हमें बताई है आज के टॉपिक पर, आज के विषय पर, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर आप कुछ मिनटों में उसका समराइजेशन हमें देंगी तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यस ऋषिका जी। हेलो सर, तो जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स अब बढ़ चुके हैं, 24 कंपनियां आ गई हैं, तो सर जाहिर सा बात है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा। अब चाहे वो हेल्दी कंपटीशन हो चाहे वो अनहेल्दी कंपटीशन हो, कंपटीशन तो रहेगा। और कंपटीशन को सर्वाइव करने का सर जो पूरे डिस्कशन से मेरे को समझ में आ रहा है, एक ही चारा है बचने का, वो है रिलेशनशिप। जितना आप रिलेशनशिप अपने क्लाइंट से ज्यादा बढ़ाओगे उतना कम चांसेस है कि वो आपको छोड़ के दूसरे किसी के पास जाएगा। और रिलेशनशिप बढ़ाने का सर वही है, एक है ट्रस्ट और एक है ऑनेस्टी। ट्रस्ट, आप जितना उसको अच्छा एडवाइजर्स दोगे, जितनी उसके लिए सही पॉलिसीज उसको बेचोगे एकदम, मतलब उसकी नीड्स को समझ के, उतना ही वो आप पे भरोसा करेगा। और जितना ऑनेस्टी से आप वो रिलेशन आगे निभाते रहोगे, एकदम सही टाइम पे प्रीमियम कलेक्ट करना, उसका क्लेम वो तुरंत निकलवा के देना, उतना ही उसका ट्रस्ट आप पे जमता जाएगा टाइम टू टाइम। और उसके बाद चाहे कोई भी आ जाए सर, वो नहीं छोड़ेगा, वो तुरंत बोलेगा कि हाँ देखिए, कोई भी सपोज उनको अप्रोच करे, जवाब एक ही रहेगा, नहीं देखिए आई एम वर्किंग विद ऋषिका पोद्दार, हमारे यहाँ ऋषिका जी आती हैं, वो मुंह पे एक ही चीज रहेगा। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो कुछ भी हो। एंड मेरे को लगता है ट्रस्ट सर, एक बार उसका ट्रस्ट आप तोड़ोगे तो वो बोलते हैं ना कि ट्रस्ट एक पेपर के जैसे होता है, एक बार वो क्रम्बल हो गया तो वो सेम नहीं हो पाएगा। तो वो एक सही रहना अपने क्लाइंट के साथ बहुत जरूरी है, और फिट इन करना सबके साथ बहुत जरूरी है। हम मतलब एक साथ लाखों क्लाइंट्स, हजारों क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, सबका अलग बिहेवियर होता है, सबकी अलग नीड्स होती है। तो मेरे ख्याल से एक एजेंट को ना आलू के जैसा होना चाहिए। आलू की आप सब्जी भी बना सकते हो, बर्गर भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे ही हर किसी के साथ फिट इन हो जाओ, वो जितना जल्दी करेंगे उतना इम्पोर्टेंट होगा। और जहां तक रिबेट की बात है, देखिए रिबेट अपना कंपटीशन को अनहेल्दी बनाता वो है प्रॉब्लम, मैं डिसएग्री करती हूँ सबसे, वो प्रॉब्लम है, उससे कितना बिजनेस हटता है। पर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखते जाओगे वो रिबेट प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहेगा ही सर। टेक्नोलॉजिकली सबके साथ टच में रहना बहुत जरूरी है, सबको होली दिवाली के मैसेजेस भेजने, कोई बीमार है तो पूछना, बर्थडे विश करना, तो वो एक पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल के साथ पर्सनल रिलेशन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर आज के दिन में सर्वाइव करने के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। परफेक्ट परफेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज रंजीत जी, यस सर, सर हमारा ऋषिका को एक सेंस बोलना चाहूंगा। यस सर। हेलो, मैं ऋषिका के लिए एक संदेश देना हूंगा। आवाज आ रही है मेरी?
सर हमारा समय खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आप एक लाइन में बोलिए सर। बस शिखा से कम देना चाहता रिलेशन बिल्ड करने के लिए लेटेस्ट इमेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑफिस का होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो लास्ट आप लोगों की आज का जो डिस्कशन हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आज का डिस्कशन बहुत ही हेल्दी था, बहुत कुछ हमें सीख मिलती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ऋषिका जी ने एक समराइज किया, आज की सब बातों को समराइज किया, और अगर ऋषिका जी की बातों को मैं समराइज करूं तो हमें जो है आलू बनना है। अगर हम आलू बनते हैं, आलू की तरह बन जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारा कंपटीशन जो है, हम कंपटीशन से पार जा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और अपने मूल्यवान विचार जो है हमारे साथ में शेयर किए, और मुझे पूरी आशा है कि आज की जो बातें हैं वो बहुत सारे लोगों के काम की होंगी, बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस का माहौल पैदा होगा। बहुत ही जल्द कुछ नए स्पीकर्स के साथ चर्चा जरूरी है इस एपिसोड में हम आपको नजर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों को अलविदा करना चाहता हूं और हमारे स्पीकर्स को भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।